डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के हेड अब्दुल खालिक मुन्ना साहब के नेतृत्व में अरसा से यहाँ सामाजिक काम होता आ रहा है। अभी हाल में उन्होंने महिलाओं और युवतियों को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था, जहाँ महिलाओं को केक और मोमो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा मुन्ना भाई ने हेल्थ क्लिनिक खोलने की भी योजना बनाई है, जहाँ फ्री में सभी को इलाज किया जाएगा। इधर आज हुए कार्यक्रम में बच्चों ने गीत गाया और नेपाल और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली इसमें भाग लिया और सभी को बधाई दी। इस अवसर पर संस्था के हेड अब्दुल खालिक मुन्ना और संस्था के अन्य सदस्यों ने क्या कहा, ये सुनते हैं। सबसे पहले तमाम लोगों को 37th रिपब्लिक डे के मौके पे तमाम लोगों को मुबारकबाद। आज हम लोगों ने वर्चुअल बांग्लादेश, नेपाल और भारत के कुछ स्कॉलर को लेके, जिसमें रिपोर्टर, एडिटर और सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्तिगण को लेकर हम लोग वर्चुअल प्रोग्राम किया। आज 73rd रिपब्लिक डे के मौके पे तमाम लोगों को हम लोगों ने अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन की तरफ से मुबारकबाद दिया, और साथ में आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश और नेपाल का संबंध को और मजबूती से बनाने के लिए हम लोग आज कल्चर प्रोग्राम भी रखा, और आने वाले समय में साहित्य, एजुकेशनल, कल्चर और इस तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में हम लोग भारत, बांग्लादेश और नेपाल का कार्यक्रम करेंगे, ताकि और संबंध मजबूत हो। आने वाले समय में इस तीन देश से लेकर आने वाले समय और बहुत सारे देशों को साथ मिलकर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, ताकि हमारे संबंध और बेहतर से बेहतर हो। और इसमें बांग्लादेश और नेपाल के जो हमारे गेस्ट थे, बहुत कोऑपरेट किए। उन तमाम देशवासियों को अपने आज रिपब्लिक डे के मौके पे दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने तंजीम की तरफ से तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपने बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, धन्यवाद। मैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के सभी अतिथियों को हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के तरफ से आहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय दिया हमें। और लेकिन इस वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हम लोग एक दूसरे के करीब आए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जिस तरह हमें साथ दिया है, आशा करते हैं कि हर साल इसी तरह हम लोग इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और भी अदर कंट्री को लेकर के हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और इसमें आप लोगों का साथ रहें, यही हमेशा चाहता हूँ। और धन्यवाद सभी अतिथियों को हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के तरफ से, और हमारे सभी स्टूडेंट के तरफ से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के कल्चरल डिपार्टमेंट के तरफ से सभी हमारे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के सभी अतिथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। 73rd रिपब्लिक डे में भारत के तमाम लोगों को, बांग्लादेश और नेपाल के तमाम लोगों को और विश्व के तमाम लोगों को रिपब्लिक डे के मौके पे बहुत बहुत मुबारक हो। और भारत, नेपाल, बांग्लादेश के हमारे जो गेस्ट हैं, आज हमारे वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए,
और हमारे साथ रिपब्लिक डे में कदम से कदम मिलाकर हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। तीनों देश के सभी गेस्टों को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में हम लोग आने वाले समय में और संबंध को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह तेज़ी से भारत आगे बढ़ रही है, हमारे मित्र देश, हमारे दोस्त साथी देश हमारी तरह वो भी आगे बढ़े। आज रिपब्लिक डे के मौके पे मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि उनकी भी तरक्की हो, वहाँ के आम लोगों को भी तरक्की हो और आने वाले समय में हम लोग और कई देश को लेकर अपने रिपब्लिक डे के मौके पे इस तरह से कार्यक्रम करेंगे ताकि भारत का संबंध और बेहतर से बेहतर हो। तीनों देश के जो आज प्रोग्राम हुई है वर्चुअल, आने वाले समय में कल्चर, साहित्य और एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग कार्यक्रम करेंगे और तीनों देश के अंदर बेहतर संबंध बनाएंगे। आज के इस मौके पे तमाम लोगों को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन का तरफ से आज 73rd आज रिपब्लिक डे हम लोग मनाया गया। इस सिलसिला में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन का तरफ से आज ये हम लोग का हम लोग जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश और विभिन्न देश से हम लोग आमंत्रित किए हैं सभी गेस्ट। हम लोग अभी नेपाल से भी आप देखा रहे हैं अभी तो उन लोगों को, सभी गेस्ट लोगों मैं धन्यवाद देने चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक अपना खून में हम लोग बोले ऐसा हम लोग रिपब्लिक डे मना जा रहे हैं, हम लोग ऐसा कल्चर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उस संघ से में वो गेस्ट लोग आगे आप लोग सब भी आपको हम लोग का कनेक्शन हुए हैं। तो सबसे बड़ा बात है जैसे अभी ये हम लोग प्रोग्राम ये हम लोग कर रहे थे, इस प्रोग्राम में जैसे भेरा प्रोडक्शन प्रोडक्शन डायरेक्टर एंड प्रोवाइडर मिस्टर आदित्य कुमार जी के ये स्टूडियो है। तो मैं आदित्य कुमार जी को मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तरफ से मैं धन्यवाद देने चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्टूडियो अभी हम लोग कोई अगर भाड़ा करने जाएँ कोई जाए तो अभी हम लोग का देखिए 15-20 हज़ार रुपया हो सकता है। तो ये बड़े आदित्य जी ने ये आप दिए हैं, पहले भी दिए हैं, अभी भी देंगे, बाद में भी देंगे। आप लोग का अगला साल जैसे गंगा सागर नेपाल से आए हुए थे तो यहाँ आपको बोले अरे मेरा ये आपको जैसे आपका घर माने मेरा घर है, आपको गेस्ट माने मेरा गेस्ट है बोल के यहाँ आपको कम से कम 20 आदमी पूरी से आए थे। यहाँ आपको आदित्य जी ने दिलीप थापा डांस अकेडमी का तरफ से जब जो हम लोग ये नाच डांस प्रोग्राम जो हुआ है तो मैं उनसे भी बहुत धन्यवाद देने चाहता हूँ।